हेलो एंड वेलकम। इजी ऑटो फॉर एक्सेल डुअली डेटा कन्वर्टर के डेमो वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप इजी ऑटो फॉर के थ्रू ऑप्शनल वाउचर की एंट्री स्टडी में किस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए टैली में कंपनी बनाया है, और ये आप जो अगर देखोगे टैली में, तो ये टैली का जो कंपनी है, ये टैली एडिट लॉक खुला हुआ है। यहाँ पर टैली एडिट लॉक खुला हुआ है, और यहाँ पे टैली में जो कंपनी खुला हुआ है इजी ऑटो फॉर एक्सेल डुअली ऑप्शनल, वो सेम कंपनी का नाम यहाँ पे सॉफ्टवेयर में आ चुका है। यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, इसको कंपनी को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप जाएंगे कॉलमनर वाउचर रजिस्टर में, यूज टेम्पलेट में आप क्लिक करोगे तो ये आपके सामने एक्सेल के अंदर में एक टेम्पलेट ओपन कर देगा। ठीक है, इसके अंदर में डेटा डाला हुआ है, जैसे डेट, वाउचर नंबर, पार्टी का नाम, सेल का अमाउंट डाला हुआ है, स्टॉक आइटम डाले हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में सब कुछ डाला हुआ है। ठीक है, अभी ये जो एंट्रीज रहेगी ये आपकी रेगुलर एंट्रीज में ना पोस्ट होते हुए ये ऑप्शन वाउचर में पोस्ट होना चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना है कि सिर्फ यहाँ पे सेवन जनरेट में क्लिक करना है। एंट्री जनरेट हो गया सॉफ्टवेयर में आने के बाद में से, यहाँ पर मैं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑप्शन वाउचर। ठीक है, इस ऑप्शन को आपने चेक मार्क कर लेना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है, चेक कर लेना है इसको, और यहाँ पे आगे आपने रिफ्रेश एंट्री फ्रॉम एक्सेल में क्लिक करना है। ये बता रहा है कि एक्सेल से टोटल तीन एंट्रीज इंपोर्ट हुई है, पांच नए लेजर बनेंगे। हमने कहा ठीक है, ओके। अभी सिंपल आपको यहाँ पे सिर्फ बुक एंट्रीज इन टैली में क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली लेजर, स्टॉक आइटम्स सब कुछ बना लेगा और एंट्रीज आपकी टैली में पोस्ट कर देगा। यहाँ पर मैं इसको यस करता हूँ। ये जो स्टॉक आइटम अवेलेबल नहीं है वो स्टॉक आइटम बना रहा है, क्योंकि टैली में अगर आप देखोगे तो मैंने फ्रेश नया कंपनी बनाया है, इसमें कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, लेजर भी नहीं है और ना ही कोई स्टॉक आइटम यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली फ्रेश क्रिएट कर देगा। यस, अभी ये लेजर बना रहा है। ओके, लेजर एंट्री सब कुछ आपका टैली में पोस्ट हो चुका है। अभी हम लोग टैली में जाएंगे, डिस्प्ले एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, यहाँ पे हम जाएंगे आप ऑप्शन वाउचर्स में, डेट डाल देंगे हम लोग 1/7/2023। देखिए यहाँ पे एंट्री आपकी ऑप्शन वाउचर में आ चुकी है। इसको अगर हम लोग एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर मैं आपका एंट्रीज आपको यहाँ पर ऑप्शनल स्टेटस में दिख रहा है। तो बड़ी ही आसानी से और सिंपल वे में आप आपका एंट्रीज ऑप्शनल वाउचर में पोस्ट करा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसको ऑप्शन से रेगुलर में करना है, तो यहाँ पर मैं आप सिंगल क्लिक कर दोगे, जो पर्टिकुलर एंट्री को रेगुलर करना चाह रहे तो आप यहाँ से रेगुलर कर सकते हैं। और अगर आपको रेगुलर में ही पोस्ट करना है सारे एंट्रीज, तो यहाँ से चेक मार्क निकाल देना है। थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।